अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असमा सलमान उमर है और हम मरहम के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के लिए एक लाइव सेशन अवेयरनेस प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिसमें हम आज बात करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के ऊपर। और मेरे साथ साइकोलॉजिस्ट आयशा शाहिद शेख मौजूद हैं और हम आज एक ऐसे हिडन इशू के ऊपर बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम अवेयरनेस है, और वो इशू है जिससे बच्चा पैदा होने के बाद जो है वो माएँ गुजरती हैं। हम माओ की सेहत के बारे में बात करते हैं जब वो प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं, या बच्चे की डिलीवरी के बाद हम बच्चे की सेहत और माँ की सेहत के फिज़िकल सेहत के तो हर एस्पेक्ट के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उस एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस का जिसमें वो एक नई ज़िंदगी को दुनिया में लेकर आती हैं, उनकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं, हम उसके ऊपर बात नहीं करते, जबकि उसकी वजह से बहुत सारी ख़वातीन के ऊपर बहुत सीरियस असरात मुरतब होते हैं। और उसी वजह से हम एक स्पेशल जो ख़वातीन का एक सपोर्ट ग्रुप है बेबीज़ एंड पम्प्स के नाम से, हमने उनके साथ कलाबरेट किया और हमने वहाँ पर माओं से सवाल लिए कि वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन की फेज से अगर गुजरे या उनके इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हैं जिसमें हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो उन सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ आयशा मौजूद हैं। आयशा जो हैं वो लाहौर में एक प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट हैं एंड शी विल बी हेल्पिंग अस टुडे टू आंसर दोज क्वेश्चंस। तो आयशा, आप इस बारे में थोड़ा सा अगर हमारी ऑडियंस को बताएं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या है और क्यों इसके साथ डील करना चाहिए। जी बिल्कुल, पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है पोस्टपार्टम के वर्ड से निकला। पार्टम से मुराद होती है प्रेगनेंसी, पोस्ट से मुराद है बाद का टाइम, बाद का दौरानिया। तो ख्वातीन जो कि प्रेगनेंसी के बाद के टाइम जब गुजारती हैं, तो अक्सर कहा देखा कि ख्वातीन का मूड जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फेज में चला जाता है। इसके अंदर होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस और अक्सर कहा सुसाइडल आइडिएशन भी आना शुरू हो जाती है। इसमें लोगों को अपनी ज़िंदगी बुरी लगने लग जाती है। ये केसेस और ये सिम्टम्स जो हैं ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन के होते हैं। अगर हम रिसर्च की बात करें, तहकीक की बात करें, तो तकरीबन 7 से 15% ख्वातीन जो हैं वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजरती हैं, जिसकी बायस क्या होता है उनकी लाइफ में, उनकी बच्चे की नगहदाश्त की जो रूटीन होती है उसके अंदर और अपनी सोशल पर्सनल लाइफ जो होती है बहुत अफेक्ट होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में लोगों का अवेयरनेस नहीं है, लोगों को इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है, जिसके बायस हम आज दोनों मिलकर बैठे हैं और बहुत से आपके सवाल के जवाब देंगे, ताकि आपको उसके बारे में आइडिया हो सके और ये भी पता चल सके कि इसको हम कैसे डील कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी मौके पर कि जब आप लोग हमें देख रहे हैं, हम आपको थोड़ा सा मरहम के बारे में बताते चलें कि बेसिकली हम क्यों इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। मरहम बेसिकली पिछले 3.5 साल से पाकिस्तान के हेल्थ के इश्यूज़ के ऊपर लोगों की मदद और रहनुमाई कर रहा है। मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर, ऐप के ऊपर, कॉल सेंटर के ऊपर आकर जो है वो आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आप वहाँ से डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और अगर किसी भी केस में, अगर इवन अभी पोस्टपार्टम के सिनेरियो में भी आप अगर डॉक्टर से वीडियो कॉल पे भी बात करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स के अंदर हमें बताएं एंड हम जो है वो आपको एक माहिर और मुस्तैद डॉक्टर के साथ कनेक्ट कराएंगे। तो इन केस अब हम अपने क्वेश्चंस को आगे लेकर चलते हैं कि बेसिकली जो सवालात हमारे पास हैं, तो आप लोगों का भी कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट्स के अंदर ऐड कर सकते होंगे और हम आपको आफ्टर द सेशन इसके बारे में आंसर करेंगे। सो और ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, ये हमने कॉमन क्वेश्चंस लिए हैं जो एक बहुत जेनेरिक ऑडियंस को हेल्प करने हेल्प करेंगे। सो आयशा, जो पहला सवाल है मेरे पास वो है कि कैन पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है वो सालों साल रह सकता है अगर वो अनट्रीटेड रहे तो, 4 से 5 साल तक वो डिप्रेशन का स्पैन बढ़ जाता है अगर वो अनट्रीटेड हो तो? पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है, जैसे कि नाम इसका बता रहा है, वो प्रेगनेंसी के बाद ही शुरू होता है। तो तकरीबन इसमें 2 से 3 हफ्ते तक अगर आपका मूड लो चल रहा है, जिसको हम बेबी ब्लूज़ कहते हैं, जो कि आम तौर पे हर दूसरी तीसरी ख्वातीन के साथ पेश आता है जब आप प्रेगनेंसी के दौरान से गुजरते हैं, इस पूरे प्रोसेस के दौरान गुजरते हैं, तो क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, बॉडी मुख्तलिफ मराहल से गुजरी होती है, तो अक्सर अवकात क्या होता है कि बेबी ब्लूज़ आ जाते हैं, जिसका मराद ये है कि आपका मूड लो रहता है, आप उदास रहते हैं थोड़े अरसे के लिए, लेकिन ये कुछ दिनों पर मुहित होता है, 10 से 12 दिनों पर, इससे ज़्यादा उसको नहीं जाना चाहिए। अगर इससे ऊपर चला जाए तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो खातून है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार हो रही है।
अगर पोस्टमार्टम को काउंसलिंग की जरूरत है, वहाँ पर उनको काउंसलिंग की जरूरत है, वहाँ पर उनको साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत भी पड़ सकती है अगर उनके सिम्टम्स एग्रीवेट कर दें, ज़्यादा ख़राब हो जाएँ, ठीक है ना। बिकॉज वहाँ पर जब डिप्रेशन के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पर हमें दवाई की ज़रूरत होती है। अच्छा, अगर ये सिनेरियो अनट्रीटेड रहता है तो क्या होगा कि वो चीज़ शायद पोस्टमार्टम डिप्रेशन ना कहलाए, लेकिन वो डिप्रेसिव फेज ज़रूर बन जाएगा, जो कि आप कह सकते हैं कि जी लॉन्गर रन तक जा सकता है। तो अगर कोई ऐसा जो ऐसा इंडिविजुअल है जिसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला, जिसको बिल्कुल भी काउंसलिंग या गाइडेंस नहीं मिली, तो हो सकता है कि उनके सिम्टम्स एग्रीवेट करके 4-5-6 साल तक भी चले जाएं। वो सिम्टम्स की शिद्दत में शायद थोड़ी कमी हो जाएगी, लेकिन वो इतने ज़रूर होंगे कि वो उनकी लाइफ को अफेक्ट करेंगे। सो इट कैन प्रिवेल आफ्टर मैनी मंथ्स एज वेल। अच्छा, इसमें अगर आप हमें एक चीज़ के बारे में बताएं कि वो कौन से सिम्टम्स हैं जो डिफाइन करते हैं कि ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। ठीक है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन में ये होता है आपका दौरानिया जो है, अगैन मैं कह रही हूँ कि बहुत वो है इम्पोर्टेंस का हामिल है। बेबी ब्लूज जो है 10 से 12 दिनों तक, 15 दिन तक वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अगर आपका मूड जो है वो स्लो रहता है, लो रहता है, आप होपलेस फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, आपका लोगों से बातचीत करने का दिल नहीं करता, आपकी जो आम रूटीन के काम है वो करने का दिल नहीं करता, हालांकि आप ऑब्वियसली यू वुड हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ फिजिकल ट्रबल, आप फिजिकल बहुत सिचुएशन से गुजर के आए हैं, तो आपकी बॉडी भी थकी होती है उस वक्त, ठीक है ना, बच्चे की पैदाइश के बाद आप आते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद भी अगर आप अपनी रूटीन में वापस नहीं जा पा रहे, आपसे लोगों से बातचीत नहीं की जाती, आपको लगता है कि जी मैं अपने कामों में उस तरीके से नहीं मशगूल हो पा रही जैसे मैं पहले होती थी, जितनी मर्ज़ी मैं कोशिश कर लूँ, अगर आपको लगता है कि जी मेरे जहन में हर वक्त नेगेटिव ख्याल चलते रहते हैं, अक्सर कात ये होता है कि बहुत ज़्यादा केसेस के अंदर ख़वातीन को अपने बच्चों के बारे में नेगेटिव ख्याल आना शुरू हो जाते हैं, जिसके बारे में वो गिल्ट फील करती हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं होता कि वो असल में पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजर रही हैं। ये उसकी अलामत है, ये कोई मसला नहीं है, ये खुदा ना खास्ता आपके जहन में कोई बुरा ख्याल नहीं आ रहा है, कोई गुनाह की निशानी नहीं है, ये इस चीज़ की निशानी है कि आप पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजर रही हैं। बिकॉज जब आप डिप्रेशन से गुजरते हैं तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो इस तरह का हो जाता है कि आपको मनफी ख्याल ही आते हैं, आपको मस्बत सोच नहीं आती, विच इज़ द रीज़न आपकी हर तरह की सोच जो होती है मनफी होती जाती है, और आपका ज़िंदगी के ऊपर से एतबार भी किसी तरीके से उठने लग जाता है। तो ये सिम्टम्स अगर एग्रीवेट हो जाएंगे, लंबे चलेंगे, 2-3 हफ्ते बाद भी एग्रीवेट करके चलते रहेंगे और आपकी लाइफ को अफेक्ट करना शुरू कर देंगे, तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन ही है, और जो खातून हैं उनको हेल्प की ज़रूरत है, शी नीड्स टू सी अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और अ साइकियाट्रिस्ट, जो भी इनके पास अवेलेबल। बिल्कुल सही। थैंक यू फॉर यू नो एक्सप्लेनिंग इट इन डिटेल। और मैं अब यहाँ पर ना एक रियल लाइफ स्टोरी के साथ जो है हमारे साथ शेयर हुई है वो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे कि उन्होंने जो है अपने दूसरे बच्चे के पैदा होने के बाद जो है वो बहुत वर्स्ट किस्म का पोस्टमार्टम डिप्रेशन देखा, और अब उनकी थर्ड प्रेगनेंसी है, शी इज़ 9 मंथ प्रेगनेंट, और वो और उनको ये है कि वो अब इसको इस दफ़ा अवॉइड करना चाहती हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब जब बेबी थर्ड उनका बेबी हो तो वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन से ना गुजरें, क्योंकि उनके बच्चे इसकी वजह से सफ़र करते हैं। और लास्ट टाइम अभी उनकी दोनों प्रेगनेंसीज में उनके हस्बैंड ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया था, और अभी भी उनको लग रहा है कि शी इज़ वेरी यू नो इमोशनल एंड डिप्रेस्ड, लेकिन वो अपने आप को समझा नहीं पा रही, अपनी मदद नहीं कर पा रही। तो ऐसा वो क्या करें कि अब जो उनकी थर्ड डिलीवरी है उसके बाद वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन से ना गुजरें? आई वुड सजेस्ट हर कि वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखा लें, बिकॉज अगर उनकी हिस्ट्री है तो उसका मतलब है कि चांसेस हाई हैं कि वो दोबारा से पोस्टमार्टम डिप्रेशन में जाएंगी, और अगर उन्होंने अभी से सिम्टम्स को महसूस करना शुरू कर दिया है इसका मतलब सिम्टम्स आ रहे हैं, और बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको पहले इसका तदारक कर दें, यू नो, इससे पहले कि पूरी प्रॉब्लम जो है एग्रीवेट करें, हम उसको पहले ही किसी ना किसी हद तक कंट्रोल कर दें। तो यहाँ पर किसी माहिर से बात करने में इनको हेल्प ज़रूर मिलेगी। ऐसी मुझे नज़र आ रहा है कि घर पर सपोर्ट हासिल नहीं है, लेकिन इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप किसी माहिर के पास जाएँ, वो एटलीस्ट आपको अपनी सोचों के ऊपर, सोचों को समझने में हेल्प करेंगे, आपको बिहेवियरल टेक्निक्स बताएंगे जिससे ये होगा कि आप अपने मूड को बेहतर कर सकेंगे। अक्सर औकात ये होता है कि हमें लगता है कि हम दूसरों से बात करके हल्का फील करते हैं, वो ठीक होता है, आप बात करना ज़रूरी है, आप हल्का भी फील करते हैं, लेकिन जब आप किसी माहिर से बात करते हैं तो वो माहिर इस चीज़ में ट्रेंड होता है, तो वो आपको कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर बताता है जिससे आपके इस प्रॉब्लम से निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या उसमें यकीन होता है कि हम इससे निकल जाएंगे। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि शी गेट्स हेल्प, और इसको अवॉइड किया जा सकता है, इसको आप सबसाइड कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। फर्स्ट कहें अगर पोस्टमार्टम डिप्रेशन आ भी रहा है तो आप उसके सिम्टम्स को कम ज़रूर कर सकते हैं विद हेल्प।
और अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे इनके साइकोलॉजिस्ट को लगा कि इनको दवाई की ज़रूरत है तो उनको साइकियाट्रिस्ट को भी रेफ़र कर देंगे और साइकियाट्रिस्ट फिर ख़वातीन को एंटी डिप्रेशेंट्स देते हैं एक जिस अमाउंट पर रिक्वायर्ड होता है और उससे सिम्टम्स बेहतर तरीके से मैनेज हो जाते हैं। अच्छा, इसमें मैं यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें आपको चाहूँगी कि आप सबको एक्सप्लेन कर दें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाके भी दिखाती हैं या उससे वीडियो कॉल भी लेती हैं, ठीक है, ठीक है, तो या कोई भी जो हमारे देखने वाली ऑडियंस में से वो इस प्रोसीजर से लेते हैं तो एक थोड़ी सी मिथ्स होती हैं कि पता नहीं साइकोलॉजिस्ट क्या बात करेंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा, तो काउंसलिंग सेशन बेसिकली कैसे होता है। और दूसरा ये कि जो अगर मेडिसिन भी लोग लेते हैं तो उसके बारे में बड़ी मिथ्स हैं कि पता नहीं उसकी आदत लग जाएगी, ये हो जाएगा, हालांकि वो भी वैसे ही दवाई है जैसे हम अगर हमारा पेट ख़राब हो तो हम उसके लिए दवाई लेते हैं। तो एक बड़ा सिंपल सा उसकी एग्जांपल है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी यू नो अगर आप बता दें। जब भी हम मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं ना तो उसमें हम मुख्तलिफ वजूहात को एड्रेस करते हैं कि इसकी प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है। हो सकता है उसकी फैमिली में प्रॉब्लम रन कर रही है इसलिए हो रही है, हो सकता है उसके इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी हैं यानी उसके इर्द गिर्द के हालात ऐसे हैं कि जी जो प्रॉब्लम है वो चलती जा रही है, वो डिफरेंट चीज़ों को कॉज कर रही है। तीसरी चीज़ ये होती है कि आपका मेरा अपना लिविंग स्टाइल कैसा है ना, या हमारा अपना सोचने समझने का तरीका कैसा है। बिल्कुल ठीक है। फ़र्ज़ करें अगर मैं एक ऐसी इंडिविजुअल हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं सोच पाती, जिसकी सोचने समझने की कुछ सलाहियतें जो हैं वो थोड़ी सी या तो माउफ हो गई हैं या किसी प्रॉब्लम का शिकार हो गई हैं या वो एक सही राह पे नहीं चल पा रही दिमागी तौर पे, ठीक है ना, तो इवेंचुअली क्या होगा कि मेरा मूड उन सोचों की वजह से ख़राब रहना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। तो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, वो आपकी हिस्ट्री लेता है, वो देखता है कि अगर आपको कोई थॉट पैटर्न्स का इशू आ रहा है कि अगर आप सोचने समझने में कोई मुश्किल का शिकार हैं या आपकी सोच जो है किसी तरीके से सही नहीं आ रही तो उसको बेहतर करने के लिए आपको हेल्पफुल टेक्निक्स बताएगा। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हम लोग ट्रेंड होते हैं डिफरेंट टाइप की थेरेपीज़ में, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आती है, जिसमें डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी आती है, इसमें REBT आती है, इसमें हिप्नोसिस आता है, इसमें NLP आती है, नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है ना, और वो हर चीज़ डिफरेंट मॉड्यूल पर काम करती है। तो हर पेशेंट जो है उसका पर्सोना, उसकी पर्सनालिटी क्योंकि दूसरे पेशेंट से डिफरेंट होती है तो हम उसको उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रीट करते हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में ये चीज़ होती है कि हर बंदा चाहे एक ही प्रॉब्लम के साथ आ रहा है क्योंकि वो उनमें अलग अलग लोग हैं, उनके सोचने समझने का रहन सहन का तरीका डिफरेंट होगा तो हम उनको उनके तरीके से आपके लेकर चलते हैं, गाइड करते हैं। अच्छा, और इसके अलावा क्या होता है, अगर साइकोलॉजिस्ट को पता चलता है, नज़र आता है कि जी सिम्टम्स जो हैं इनमें मेडिकेशन की ज़रूरत है तो साइकोलॉजिस्ट फ़ौरन से साइकियाट्रिस्ट को भी रेफ़र करते हैं, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट मिलके काम करते हैं मोस्टली, ठीक है। अक्सर अवकात ये होता है कि सिम्टम्स अगर हमें नज़र आ रहा है कि मॉडरेट हैं, माइल्ड हैं, तो वहाँ पर दवाई की ज़रूरत अक्सर नहीं पड़ती, काउंसलिंग से या साइकोथेरेपी से ही हेल्प हो जाती है। लेकिन अगर हमें नज़र आ रहा है कि पेशेंट मुश्किल में है और आसानी आ सकती है दवाई के ज़रिए, या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें दवाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो कि पड़ जाती है, वहाँ पर साइकियाट्रिस्ट को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। और साइकियाट्री की मेडिकेशन जो है ये बिल्कुल इनकी आदत पड़ जाती है, लेकिन साइकियाट्रिस्ट जो हैं, जो हमारे पढ़े लिखे अच्छे नॉन साइकियाट्रिस्ट हैं, वो देखकर मेजर करके बॉडी के हिसाब से, लोगों के हिसाब से दवाई देते हैं, तो और इवेंचुअली इसको हम टेपर ऑफ भी करवा देते हैं, वो सारी ज़िंदगी नहीं चलती, सो इसके बारे में फ़िक्रमंद नहीं होना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने मतलब बिल्कुल डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब एक जो यहाँ पर हमारे पास सवाल है वो ये है कि आई एम डीलिंग विद इट दीज डेज, क्राइंग फॉर नो रीज़न, लगता है लाइफ ख़त्म हो गई है मेरी, कोई मोटिवेशन नहीं है जीने की, शादी क्यों की मैंने, इवन छोटी छोटी बात जिनका कोई मतलब नहीं दिल पे लगती है, किसी से बात का दिल नहीं करता, नीड माई हस्बैंड ऑल द टाइम नियर मी, प्लीज़ हेल्प मी गेट रिड ऑफ इट, माई बेबी इज़ 1 month ओल्ड, हैविंग स्वेयर ज़ुकाम एज़ वेल, अपना ख्याल नहीं रख पाती, बेबी पे भी गुस्सा आता है कभी कि वाई इज़ शी क्राइंग, प्लीज़ हेल्प। हाँ, ये जो सिम्टम्स बता रही हैं, मोटिवेशन लो हो गई है, क्राइंग स्पेल्स चल रहे हैं, मतलब बगैर किसी वजह के रोना आ रहा है, रोती जा रही हैं, जहन में सिर्फ मनफी ख्यालात ही चल रहे हैं और लाइफ अच्छी नहीं लग रही और हर वक्त लगता है कि सपोर्ट की ज़रूरत है किसी की, और बेबी जो है उसके ऊपर भी गुस्सा आ रहा है जो कि आ जाता है अक्सर अवकात, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा आ रहा है, आपको लग रहा है कि बेबी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, और आपके जो सिम्टम्स हैं वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन के ही लग रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप किसी माहिर को दिखाइए ताकि आपकी प्रॉब्लम का हल निकाला जा सके। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पर इसी तरीके से ही एक और केस था जिनको मैं मेंशन कर रही हूँ सो दैट हम उन्हें भी एक दफ़ा अश्योरेंस दिला दें, दैट आई यूज़ टू हेट एवरी वन इवन माई सेल्फ,
felt useless, felt that nobody understands me and my struggle, used to cry alone. Of one of the worst part of my life, it lasted for 5 months after the first baby and around 3 months after the second one. So we totally understand ki haan bilkul, aur isi wajah se, aur abhi to aapne to still yahan par mention kiya hai, there are a lot of people jo ke isko kahin par bhi iska zikr nahi kar paate. So I hope ki this session jo hai वो उनके लिए हेल्पफुल हो. और पोस्टमार्टम डिप्रेशन में ये चीज़ होती है कि अगर आप इसको मैनेज नहीं कर पा रहे, पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाए या सिंपल डिप्रेशन जो किसी को भी हो सकता है, अगर आप इसको मैनेज नहीं कर पा रहे तो इवेंचुअली एक साइकोसिस की कंडीशन भी आ जाती है. साइकोसिस कंडीशन जो होती है वो बहुत ही आप कह दें कि डिफ़िकल्ट होती है, प्रॉब्लमेटिक भी होती है, बिकॉज यहाँ पे एक इंडिविजुअल जो होता है उसका रियलिटी से कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाता है. यानी उसको एक असल दुनिया में और एक इमेजिनरी दुनिया में तफरीक वो नहीं कर पाता, बिकॉज उसके जहन में इतने मनफी ख्याल चल रहे होते हैं. और जब हमारे जहन में मनफी ख्याल चलेंगे तो हमारा जहन उनको कबूल करना शुरू कर देगा, उनको मानना शुरू कर देगा, ठीक है ना? क्योंकि हमारा जहन उसी तरह ट्रेन हो जाता है जैसे हम उसको फील कर रहे होते हैं. बिल्कुल. एक टर्म है साइकोसिस की, टर्म हम यूज करते हैं वो डिप्रेशन के अंदर और बहुत से अदर मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते हैं उसमें आकर कर सकती है. साइकोसिस की कंडीशन वो कंडीशन होती है जब एक इंडिविजुअल या कोई भी शख्स जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है उसका रियलिटी से कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल उनकी सोच समझ इतनी बिगड़ जाती है, इतनी मनफी हो जाती है कि उनको अपनी जो असली दुनिया है और जो इमेजिनरी दुनिया है उसमें फ़र्क जो होता है वो मालूम नहीं होता, ठीक है. इवेंचुअली अक्सर अवकात ये भी होता है कि जी ये वाले लोग सुसाइडल आइडिएशन की तरफ भी चले जाते हैं. इनको लगता है कि लाइफ इतनी प्रॉब्लमेटिक है, इससे बेहतर है कि लाइफ ख़त्म कर दी जाए. अक्सर अवकात इनको दूसरों को हार्म पहुँचाने के ख्याल भी आते हैं. इसमें बेबी को हार्म पहुँचाने का ख्याल आ सकता है, इसको इसमें फैमिलीज को हार्म पहुंचाने का ख्याल आ सकता है. तो ये जो स्टेज है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड क्रिटिकल दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड बाय अ साइकियाट्रिस्ट एंड विद द हेल्प ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. तो अक्सर का हमारी कोशिश ये होती है कि हमारी जो पेशेंट है वो यहाँ तक ना पहुँचे, बिकॉज अगर यहाँ पर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. ट्रीटेबल फिर भी है लेकिन हमने कोशिश करनी कि यहाँ तक ना पहुँचा जाए. और उसमें मैं फिर यहाँ पर ऐड करती चलूँ कि जैसे कि इन्होंने पहले भी सिम्टम्स बताया ये भी कि, तो अगर आपको सिम्टम्स फील होते हैं, आप अभी फील करते हैं ये सिम्टम्स, और इवन आपके आप में कुछ भी करने की आपको एनर्जी नहीं फील होती, आपका दिल नहीं करता, स्टिल थोड़ी सी हिम्मत करें, थोड़ी सी हिम्मत करें, एंड यू नो जस्ट मे बी पुट अ कॉमेंट राइट देयर और कनेक्ट विद अस एंड वी वुड लाइक टू हेल्प यू आउट, बिकॉज आपके लिए इस वक्त पे स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है. और कोई भी बंदा किसी भी किस्म की डिप्रेशन से गुजर रहा हो उसको बाहर कोई भी उस वक्त तक नहीं निकाल सकता जब तक दैट पर्सन इज़ नॉट विलिंग टू टेक हेल्प. जब तक आप खुद मदद लेना नहीं चाहेंगे, बस जस्ट यू नो यू जस्ट हैव टू, आपको अपना हाथ पकड़ाना है कि कोई उसको पकड़ के आपकी मदद करना शुरू करे, क्योंकि उसके बगैर आप इस मुश्किल से नहीं निकल सकते. इसमें सबसे बड़ा जो मसला आता है ना पोस्टमार्टम डिप्रेशन को पे बिलीव करने में वो ये है कि लोगों को लगता है बच्चे की पैदाइश हुई है सब खुश होते हैं. ये कैसे हो सकता है कि मैं खुश ना हूँ? हाँ, ठीक है ना. दे फील गिल्टी अबाउट इट एज वेल कि मेरा बेबी पैदा हुआ है, हाँ. सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं, मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल मुझे, हाँ. यहाँ पे भी जैसे अभी एक सवाल है कि मैं कैसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन से निकलूँ जबकि कोई इवन फ्रेंड्स और फैमिली भी यहाँ पर नहीं है और मुझे हर चीज़ फील हो, छोटी छोटी चीज़ फील हो रही है, लेकिन कोई नहीं है बात करने के लिए, कोई नहीं है जिसे मैं शेयर कर सकूँ, और एक गिल्ट है कि भी कैसे इससे. बिल्कुल, हाँ. लेकिन उसमें गिल्ट जो आ रहा है मोस्टली होता है कि ये कैसे हो सकता है कि हम इतनी खुशी वाली चीज़ में खुश ना हो रहे. मसला ये कि आप बीमार हैं इसलिए तो खुशी नहीं हो रही ना. डिप्रेशन है ही क्या, बीमारी ही ऐसी जिसमें खुशी हम खुश होना हम भूल जाते हैं. डिप्रेशन का मतलब ये है कि वो आपको अपनी पसंद की चीज़ों से हटा लेता है, ठीक है ना, दूर कर देता है, खुशी वाली चीज़ों से दूर कर देता है. तो यहाँ पे अगर आप अलोन हैं, इफ़ यू डो नॉट हैव समबडी टू टॉक टू, आई वुड सजेस्ट अगैन कि आप ऑनलाइन काउंसलिंग कर लें, ऑनलाइन थेरेपी लें, वो आपको हेल्प जरूर करेगी इंशाल्लाह. शी फील्स लाइक शी विल डाई सून. या द थिंग इज़ के बिकॉज वो जो इतना ज़्यादा वजन लेके चल रहे हैं वो आपको ओवरवेलम कर देता है. तो एक टाइम तक आप लेके चल सकते हैं, उसके बाद आप कलाप्स करेंगे ही करेंगे. सो इफ़ यू नॉट हैविंग टाइम आई वुड सजेस्ट दैट यू डू फाइंड टाइम for yourself so that you can see a specialist and psychologist whatever is near you. I am keeping myself, unhone bataya hai ki how she treated with postpartum depression, and highlighting those people is very good because you know they are the fighters and we should take inspiration ki acha agar wo nikal sakte hain to bhai hum bhi nikal sakte hain, everything is fine. So main yahan par share kar rahi thi aise logo ki stories bhi share karna zaruri hai jo ke who have you know
फॉट थ्रू दिस, उन्होंने इससे लड़े हैं और इससे बाहर निकल आए हैं. सो इधर एक हमारे साथ शेयर किया हुआ एक मेंबर ने कि उन पोस्टपार्टम डिप्रेशन से वो गुजर रही थी, मगर इट शूट्स देम. वैसे तो वो अपने आप को बच्चों के साथ बिजी रखती थी, बट इट शूट्स देम जब बच्चे सो जाते थे या इधर उधर होते थे. सो वो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने लिए ये निकाला कि वो उन्होंने हाई वॉल्यूम में कुरान पाक की तफसीर जो है वो शी प्ले के मतलब बैठ के, बनस्पत इसके के वो अकेले इन सोचों से गुजरे, शी यू नो पुट कुरान पाक की तफसीर हाई वॉल्यूम पर एंड स्टार्टेड यू नो लिसनिंग टू इट के, ताकि वो उनको वो उन सब बातों को ना सोचना पड़े. और इसके वजह से जो है वो अपनी 3 दफ़ा जो है वो उन्होंने ऐसे किया एंड शी केम आउट ऑफ इट. तो बहुत ही अच्छी उन्होंने एक एडिशन दी है, एंड आई वुड लाइक टू ऐड इट इन हेयर एज वेल, कि अगर आपको सुहैर रहमान के बारे में पता है तो उसकी जो लिसनिंग है या उसकी तलावत सुनना जो है उसको बहुत ज़्यादा रिसर्चर्स ने प्रूव किया है अब कि वो जो हमारे फिज़िकल इश्यूज़ हैं और मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं उनको बेहतर करने में हेल्प करती है. हमारे बहुत से हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर लाहौर में भी जहाँ पर सुहैर रहमान जो है वो प्ले की जाती है, और इसका प्रॉपर तरीका है सुनने का. तो अगर आपने इसको फॉलो करना है डू दैट, इससे हेल्प होती है बिल्कुल. और अभी थोड़ा अर्से पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में भी रिसर्च हुई है जिसकी बेस पे हमने ये कंक्लूड किया है कि डिप्रेसिव फेज के अंदर और चंद और मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ के अंदर सुहैर रहमान की तलावत सुनना और उसको सत के दिल से सुनना जो है वो आपको हेल्प करती है सिम्टम से बाहर निकलने के लिए. सो इट्स वेरी गुड टिप एंड थैंक यू फॉर डूइंग इट सो दैट आई कुड यू नो रीइंफोर्स इट एंड बीइंग इट इन फैक्ट. और सिमिलरली इसे मैं भी अभी बता रही थी तो सुहैर रहमान इवन पर्सनली हेल्प मी अ लॉट. और वो जैसे आयशा ने बताया कि उसका एक प्रॉपर तरीका है सुनने का, आई वुड लाइक टू शेयर एज वेल, कि आप उसकी तलावत सुने, उसके एक लफ्ज के ऊपर गौर करें, आप उसको 7 दिन जो है वो मुसलसल सुने, उसके साथ एक पानी का ग्लास रखें, और आफ्टर लिसनिंग टू सूरह रहमान आप वो ग्लास ऑफ वाटर लें. ये बहुत सारी जगहों के ऊपर इवन ग्रुप्स में शेयर भी हो रहा होता है तो लोग कहते हैं कि यार नहीं आप उसको मत, बट दिस इज़ नाउ साइंटिफिकली प्रूव्ड एज वेल कि एक तो हमारा ईमान है, हम मुसलमान हैं, हमें पता है कि हमने ज़िंदगी की किसी भी नई फेज से गुजरना है जिसमें हमें अल्लाह पाक लेकर आए हैं, तो अल्लाह पाक के नूर के और उनकी मदद के बगैर हम उस चीज़ से नहीं निकल सकते. ये उन्हीं का ये एक प्रोसेस है. और जब हम अपने रब से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ से जो हमें ताकत और हिम्मत मिलती है वो हमें बहुत सारी मुश्किलात से निकाल देती है. तो सूरह रहमान के साथ कनेक्ट करना, जैसे कि आयशा ने बताया कि इट साइंटिफिकली प्रूव नाउ कि इट हेल्प्स यू अ लॉट. और वाकई ये बहुत सारे हॉस्पिटल्स में इवन मोस्ट ऑफ द टाइम अपने ऑफिस में भी प्ले करते हैं, बिकॉज ये आपको बहुत दफ़ा फिजिकली और इमोशनल जगहों के ऊपर बहुत स्ट्रेंथ देती है और बहुत सपोर्ट देती है. सो जिन लोगों को लगता है कि उसको फॉलो कर सकते हैं, ऑब्वियसली एवरीबडी कैन नॉट, एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड पर्सपेक्टिव, लेकिन जो लोग समझते हैं कि उसको फॉलो कर सकते हैं डू फॉलो इट. और आप एक दफ़ा ट्राई करके देखें और इट्स बेस्ट ट्रूली. तो अगला जो एक हमारे पास क्वेश्चन है वो बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगी एंड देन उसके बाद हम ओवरऑल केयर के ऊपर एक सवाल पूछ के सेशन को रैप अप करेंगे. सो जो क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे यहाँ पे एक हमारे साथ एक मेंबर ने शेयर किया हुआ है कि व्हेन शी वाज गोइंग थ्रू द पोस्टपार्टम डिप्रेशन और इवन उससे पहले प्रेगनेंसी वाले टाइम में भी जब उनको ये इमोशनली इशूज थे तो एवरीबडी अराउंड हर वो सेइंग के इवन हर हस्बैंड वो सेइंग इट कि ये क्या ड्रामेबाजी है ना. तो इन दैट सिनेरियो जब आपको बिल्कुल सपोर्ट हासिल ना हो रही हो और आपके रिलेशनशिप के ऊपर इफेक्ट हो रहा हो, आपके सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट हो रहा हो, आपके रिलेशनशिप के ऊपर इफेक्ट हो रहा हो, तो आप क्या करें कि आप उससे निकलें और हस्बैंड को इसमें कैसे समझाएं, बिकॉज आप तो उस वक्त सिचुएशन में नहीं होते, तो व्हाट टू डू अबाउट इट. द थिंग इज कि क्योंकि आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं तो डिप्रेशन में हर चीज़ का प्लेजर कम हुआ होता है. डिप्रेशन के अंदर आपकी सेक्सुअल हेल्थ जो होती है या लिबिडो जो होता है वो भी इफेक्ट होता है. यू वुड नॉट वांट टू हैव यू नो फिजिकल इंटीमेट मोमेंट विद योर हस्बैंड मे बी, ठीक है ना, बिकॉज आपका मूड ही नहीं है, दिल नहीं कर रहा, ठीक है. सो ये जो है ऑब्वियसली रिलेशनशिप इशूज का भी कॉज करती है. तो यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है कि जो कपल है एटलीस्ट वो वंस इन अ वाइल जो है वो थेरेपिस्ट के पास जरूर जाए. थेरेपिस्ट काउंसिल कर सकता है, हस्बैंड को समझने में हेल्प कर सकता है, और ना समझने की वजह सिर्फ यही है कि अवेयरनेस नहीं है. अवेयरनेस आ जाएगी तो आई एम प्रीटी श्योर कि हस्बैंड जो हैं वो भी सपोर्टिव हो जाएंगे. लोगों को जब पता ही नहीं होगा तो वो कहेंगे कि ये क्या चीज़ हो रही है, तो अजीब सी चीज़ है. हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है. लास्ट क्वेश्चन टू रैपिंग अप दिस सेशन, और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चंस हो, आप 1-to-1 हमारे से कनेक्ट करना चाहें, यू कैन डेफिनेटली यू नो गूगल मरहम और फाइंड अस ऑन फेसबुक एंड एवरीवेयर.
वी वुड लव टू हेल्प यू आउट। आयशा, लास्ट सवाल का जवाब कि एक बंदी है, अकेली है और उसको इससे लड़ना है पोस्टपार्टम डिप्रेशन से, क्या कर सकती है वो खुद अपने लिए? अपने लिए उसने पहले ये करना है, डू नॉट फील गिल्टी अबाउट इट। दिस इज़ द वन थिंग दैट यू नीड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड व्हाइल यू गोइंग थ्रू दिस फेज। आपने गिल्टी नहीं फील करना, दिस इज़ अ प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम को जो है सॉल्व किया जा सकता है। प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमेशा होता है, ठीक है ना। सोल्यूशन प्रॉपर 100% नहीं होगा, कुछ परसेंटेज तक तो होगा ही होगा, ठीक है ना। सो यू नीड टू सॉल्व इट बाय टॉकिंग टू समबडी एंड नॉट फील गिल्टी अबाउट इट। कम फॉरवर्ड, आपके पास बहुत से लोग होंगे जो उसके बारे में जानते होंगे, इसको गूगल कीजिए, पढ़िए, इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन हासिल कीजिए। अकेले नहीं रहना, अपने हॉल में बंद होकर नहीं रहना, बाहर निकलना है, टॉक करनी है, लोगों से मिलना जुलना है, ताकि आप उसके बारे में अवेयरनेस आ सके और इवेंचुअली इसके ऊपर काम करके हमें इसको काबू करना है। और अपना ख्याल रखना है, अपने आप को खुश रखने की खुद कोशिश करनी है। आप अच्छा खाएं, अच्छा पानी पिएं, सूरह रहमान सुने और बात करें। आपको इंशाल्लाह ताला ये इस फेज, जस्ट जैसे हमारी इसमें बात हो रही थी कि दिस इज़ जस्ट अ फेज़, आप उस फेज, और जैसे हमने बहुत सारी हमारे साथ मेंबर्स ने भी शेयर भी किया कि दे गेट आउट ऑफ इट, तो यू विल गेट आउट ऑफ इट एज वेल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस, और कोई भी क्वेश्चन हो वी आर अवेलेबल, आप हमें, यू कैन फाइंड अस आउट। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।